दोस्तों आज के डेट में हम में से बहुत से लोग कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं उस स्मार्टफोन के कैमरा पर, और उसके लिए हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि उस स्मार्टफोन के अंदर जो फ्रंट या रियर कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है, और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि उस स्मार्टफोन में आजकल कितने कैमरा दिए हुए हैं, क्योंकि आजकल दोस्तों आपने देखा होगा ट्रिपल रियर कैमरा, क्वाड रियर कैमरा या ड्यूल सेल्फी कैमरा के साथ स्मार्टफोन हमें मार्केट में मिल रहे हैं। पर दोस्तों सिर्फ ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होना कैमरे की क्वालिटी को इंडिकेट नहीं करता है। एक अच्छा कैमरा फ़ोन खरीदने के लिए आपको बहुत सी बातों का ध्यान होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं यही बताने की ट्राई करूंगा कि आप एक अच्छा कैमरा फ़ोन किस तरह से चूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये समझाने की ट्राई करूंगा कि एक स्मार्टफोन में अगर आपको ट्रिपल रियर कैमरा या क्वाड रियर कैमरा या ड्यूल सेल्फी कैमरा मिलता है तो उनका क्या कुछ यूज होता है, जिससे दोस्तों आप एक अच्छा डिसीजन क्रिएट कर पाएंगे कि आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए और आपका क्या क्या यूज़ रहने वाला है उस स्मार्टफोन के अंदर। तो इससे पहले दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, उससे पहले कर लीजिएगा आपके इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो टॉपिक को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक अच्छा कैमरा फ़ोन खरीदने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्मार्टफोन्स में आजकल 3 या 4 कैमरा लगा हुआ मिलते हैं रियर साइड में, और बहुत बार सेल्फी में भी ड्यूल कैमरा देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सबसे पहले प्राइमरी कैमरा की, और उसके बाद बात करूँगा जो 3 या 4 कैमरा आपको मिलते हैं उनका क्या क्या यूज होता है। तो प्राइमरी कैमरा में कौन कौन सी बातें ध्यान रखने वाली होती हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है मेगापिक्सल का। दोस्तों जब आप कैमरा फ़ोन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि इस फ़ोन के अंदर इतने मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। क्या वास्तव में मेगापिक्सल से कैमरे की क्वालिटी पर ज़्यादा असर होगा? पर बहुत ही कम लोगों को पता है, 1 मेगापिक्सल के अंदर दोस्तों आपको बता देता हूँ 10 लाख पिक्सल्स होते हैं, और दोस्तों कोई भी फोटो लाखों पिक्सल से मिलकर बनी होती है। ये पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे फोटो का साइज और क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मीन सिंपल शब्दों में समझा जाए कि मेगापिक्सल जितना ज़्यादा होगा उतनी फोटो में डिटेल ज़्यादा होगी और उतनी ही पिक्चर ज़्यादा क्लियर और बड़ी होगी। पर सिर्फ मेगापिक्सल अच्छा होना फोटो की क्वालिटी को डिसाइड नहीं करता है, उसके लिए आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी मैं आगे ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सेकंड बात जिसका ध्यान रखना है आपको एक अच्छा कैमरा फोन चूज करते टाइम, वो है एपरेचर। तो दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एपरेचर क्या होता है। तो एपरेचर किसी भी लेंस के अंदर बना हुआ वो छेद है जो कि रोशनी को कैमरे के अंदर ले जाता है। सिंपल शब्दों में समझो कि जैसे दोस्तों आपकी आंखों की पुतलियां होती हैं, ज़्यादा अंधेरे के अंदर वो बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं और बहुत ज़्यादा रोशनी होने के बाद वो सिकुड़ जाती हैं, उसी तरह कैमरे का एपरेचर भी काम करता है। दोस्तों किसी भी फ़ोन के प्राइमरी कैमरे का एपरेचर जितना ज़्यादा नंबर्स में कम होगा वो उतना ही अच्छा होगा और ज़्यादा रोशनी कैमरे के अंदर ले जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी फ़ोन के अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और उसका एपरेचर आता है f2.2 का, और दूसरा फ़ोन है जिसका कैमरा 8 मेगापिक्सल का है और उसका एपरेचर है f1.8 का, तो दोस्तों कम रोशनी के अंदर 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा ज़्यादा अच्छे से काम करेगा क्योंकि उसका एपरेचर f1.8 का है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जितना कम नंबर होगा वही एपरेचर ज़्यादा अच्छा माना जाता है और वही कैमरा कम रोशनी के अंदर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो सिंपल शब्दों में समझिए दोस्तों कि एपरेचर नंबर्स में जिस कैमरे का सबसे ज़्यादा कम होगा वो कैमरा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। थर्ड पॉइंट जिसका आपको एक स्मार्टफोन खरीदते टाइम ध्यान रखना है वो है फोकस मोड। आजकल के फोन्स में 2 तरह के फोकस मोड मिलते हैं दोस्तों। फर्स्ट मिलता है ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस, जिसे हम DPAF कहते हैं, और सेकंड मिलता है पेज डिटेक्ट ऑटो फोकस, जिसे हम PDAF कहते हैं। अगर दोस्तों दोनों में से कोई एक ऑटो फोकस को आपको चूज करना पड़े तो ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस ज्यादा बेटर है दोनों के कंपेरिजन में। फोर्थ पॉइंट है स्टेबलाइजेशन। बहुत बार हम कोई फोटो या वीडियो क्लिक करते हैं तो हमारा हाथ हिल जाता है तो इमेज ब्लर हो जाती है या धुंधली हो जाती है। इससे बचने के लिए आजकल स्मार्टफोन्स के अंदर IS टेक्नोलॉजी दी हुई है जो कि हमें OIS या EIS के रूप में मिलती है। EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर के बेस पर इमेज को स्टेबल करने का काम करती है। सेकंड है OIS, ये दोस्तों एक हार्डवेयर बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन की टेक्निक है, यह अपने हार्डवेयर से इमेज को स्टेबल करती है जो कि EIS के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट और स्मूथ होती है और ज़्यादा अच्छी होती है। ये थोड़े से महंगे स्मार्टफोन्स में मिलती है। EIS आजकल 10 से 15 हज़ार के स्मार्टफोन्स में आपको मिलनी स्टार्ट हो गई है। फिफ्थ पॉइंट आता है दोस्तों सेंसर। सेंसर साइज को मैक्रोमीटर के अंदर इंडिकेट किया जाता है। अगर आप कोई अच्छा कैमरा फ़ोन देख रहे हैं तो जिस फ़ोन में ये जितना ज़्यादा अच्छा सेंसर साइज होगा वो फ़ोन उतनी ही ज़्यादा अच्छी फ़ोटो को कैप्चर करेगा और उतनी ही बड़ी फ़ोटो को कैप्चर करता है।
एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी सेंसर के लिए, वो ये कि स्मार्टफोन का प्रोसेसर। दोस्तों किसी भी स्मार्टफोन का प्रोसेसर उसका दिल होता है, और इमेज जब क्लिक की जाती है तो वहाँ पर इमेज प्रोसेस होती है। इमेज प्रोसेस की स्पीड डिपेंड करती है फ़ोन के प्रोसेसर पे। तो दोस्तों अगर फ़ोन का प्रोसेसर जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ही फास्ट इमेज की प्रोसेस होगी, और जितनी फास्ट इमेज की प्रोसेस होगी हमें एक अच्छा आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर रिजोल्यूशन भी ज़्यादा को सपोर्ट करता है। दोस्तों ये तो थी प्राइमरी कैमरा के बारे में कुछ खास बातें जो कि आपको फ़ोन लेते टाइम ध्यान में रखनी है कि प्राइमरी सेंसर के अंदर आपको क्या कुछ देखना है। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो आजकल के फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा या क्वाड रियर कैमरा या इसके अलावा ड्यूल सेल्फी कैमरा दिए होते हैं, उनका क्या कुछ यूज होता है। तो दोस्तों आजकल के फ़ोन्स में अलग अलग यूज के लिए अलग अलग कैमरा दिए होते हैं जो कुछ इस तरह से होते हैं। नंबर वन आता है वाइड सुपर या अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। दोस्तों जिस फोन में ये लेंस मिलता है उस फोन में आप वाइड एंगल के फोटोज को क्लिक कर सकते हैं जो कि लगभग 120 डिग्री तक होते हैं। मीन ग्रुप फोटोज, ग्रुप सेल्फी में ये लेंस बहुत ही यूजफुल होता है क्योंकि ये लेंस ज्यादा स्पेस को कैप्चर करता है। सेकेंड आता है टेलीफोटो सेंसर। दोस्तों आजकल के फोन्स में दो तरह के जूम के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है डिजिटल जूम और सेकेंड मिलता है ऑप्टिकल जूम। डिजिटल जूम के फोटोज़ को आप देखोगे तो जूम करने के बाद उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, बट जो ऑप्टिकल जूम होता है उनको जूम करने के बाद भी हमें फ़ोटो की क्वालिटी में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, तो जूम करने के बाद भी वो फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैप्चर हो जाती हैं। तो जिन फोन्स के अंदर हमें टेलीफोटो लेंस मिलता है वो फ़ोन ऑप्टिकल जूम्स को सपोर्ट करता है। थर्ड आता है डेप्थ सेंसर। पोर्ट्रेट या बुके मोड के इफेक्ट्स की फोटो को क्लिक करने के लिए सब्जेक्ट के पीछे के हिस्से का धुंधला या ब्लर होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए हमें डेप्थ सेंसर की जरूरत पड़ती है। ये सेंसर सॉफ्टवेयर की मदद से सब्जेक्ट के पीछे के हिस्से को ब्लर कर देता है जिससे पोर्ट्रेट फोटो क्लिक हो जाती हैं। आजकल के मोस्टली सभी क्वाड कैमरा या ट्रिपल रियर कैमरा के अंदर ये सेंसर देखने के लिए हमें मिल जाता है। फोर्थ आता है मोनोक्रोम सेंसर। दोस्तों जिन फोन्स के अंदर ये सेंसर मिलता है उसमें प्राइमरी कैमरा जब फोटो क्लिक करते हैं तो RGB कलर्स को कैप्चर करता है और ये सेंसर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है। फिर सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर की मदद से आपका फोन दोनों इंफॉर्मेशन को मिक्स करके हमारे सामने एक काफी अच्छी फोटो पेश करता है जो कि लो लाइट होने के बावजूद भी काफी ज्यादा डिटेल्स मिलती है। कम लाइट में ये सेंसर काफी यूजफुल है और डिटेल में इमेज को कैप्चर करता है। नंबर फिफ्थ आता है मैक्रो लेंस। मान लीजिए आपको किसी चीज की बेहद करीब से फोटो लेनी है, मान लीजिए वो अंगूठी है, मोबाइल्स की प्लेट है या कोई बाल है, तो वहां पर यूज होता है मैक्रो लेंसेज। ये बेहद करीबी चीजों को काफी डिटेल में फोटो को कैप्चर करता है, चाहे वो पानी की बूंद हो, कीड़ा हो, बारीक बाल हो, मोबाइल्स की प्लेट हो या कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो। ये कैमरा लेंस जो काम करता है वो मेन कैमरा भी नहीं कर पाता है, इस कारण मैक्रो लेंसेज की जरूरत आजकल पड़ती है बहुत से स्मार्टफोन्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बहुत कम समय में काफ़ी डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है कि स्मार्टफोन का कैमरा किस तरह से काम करता है और जो आजकल ट्रिपल रियर कैमरा या क्वाड रियर कैमरा होते हैं स्मार्टफोन्स के अंदर वो क्या कुछ काम करते हैं। दोस्तों आपसे है क्वेश्चन कि आपके पास भी एक स्मार्टफोन होगा उसके अंदर आपके पास जो ट्रिपल रियर कैमरा या क्वाड रियर कैमरा है उनके अंदर कौन कौन से लेंसेज यूज किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं कि आपकी नज़र में कौन सा बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है आज की डेट में, चाहे वो बजट रेंज हो, चाहे वो हाई रेंज हो, चाहे वो मिड रेंज हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और डिसलाइक करके अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।